पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें। ये अब्दुल चाचा का बेटा नहीं है और ना ही कोई खान सामा। मर्जीना, ये एक महरूपिया है जो आपको हमारे खिलाफ भड़काने आया था। से पूछिए कि जब हमने इसको एक बार महल से निकाल दिया तो ये खान सामा बनकर क्या करने आया है, पूछिए। मर्जीना, मैंने ऐसा सिर्फ इसलिए किया था कि तुम्हें सच बता सकूं, तुम्हें बचा सकूं। मर्जीना, कौन होते हो तुम मर्जीना को बचाने वाले? कौन हो तुम उसकी परवाह करने वाले? और अगर इतनी परवाह होती, ये तुम्हें लेकर नीचे क्यों आता? ये जानते हुए कि हम नीचे हैवान बन चुके हैं, खुदी का काबू खो चुके हैं, हम अपनी अम्मी जान तक का कत्ल कर सकते हैं, ये तब भी तुम्हें नीचे लेकर आया? मर्जीना, हम तो खुदी को कैद करके बैठे थे कि किसी को नुकसान ना पहुंचा दें, मगर ये सब जानते हुए तुम्हें नीचे लेकर आया। मर्जीना, कहीं गुल को भी यही तो नहीं नीचे लेकर आया? गुल का नीचे आने का क्या मतलब था? ये महल का कौन सा हिस्सा है? आपको सब पता चल जाएगा, मेरे पीछे भी जाइए। पूछे इससे, बोलो। झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोला जा रहा है ये शहजादा। मेरा यकीन करो मर्जीना, अपनी आंखें खोलो और देखो इस हैवान का असली चेहरा। चुप हो जाइए आप। झूठ तो आप बोल रहे हैं हमसे, हमने आप पर भरोसा किया और आप हमारे जज्बातों के साथ खेले जा रहे हैं। शहजादे का हैवान बनना, उनका लोगों को मारना, ये उनके बस में नहीं था। लेकिन आपकी क्या मजबूरी थी? आपकी क्या मजबूरी थी जो आपने हमारा भरोसा तोड़ा? आपने हमसे सच्चाई छुपाई, ये सब जानबूझकर किया ना आपने? हमारा यकीन तोड़ा है आपने, हम आपको कभी माफ नहीं करेंगे। सिपाहियों, बंद कर दो इसे कैद खाने में। मर्जीना, मेरा यकीन करो, मैं सच बोल रहा हूं, मेरा यकीन करो मर्जीना। मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं मर्जीना, मेरा यकीन करो, मैं तुम्हारा अली हूं मर्जीना, मैं तुम्हें धोखा नहीं दे रहा हूं, मेरा यकीन करो मर्जीना। छोड़ो मुझे, जाने दो मुझे, जाने दो मुझे। कैसे बताऊं मर्जीना को कि वो दोनों उसके दुश्मन हैं और मैं उसका अपना? कैसे सच से रूबरू कराऊं उसे? कैसे? हमने ये जिंदगी नहीं चुनी, बल्कि हम तो एक ऐसी बद्दुआ के साथ पैदा हुए थे जिसमें हम हर रात एक हैवान बन जाते हैं। ये अब्दुल चाचा का बेटा नहीं है और ना ही कोई खान सामा। हमें समझ ही नहीं आ रहा ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ। मर्जीना,
क्या सोच रही हैं आप? यही कि जिंदगी क्यों इम्तिहान ले रही है हमारा, हमारी सबसे अजीज दोस्त को, उसे खो दिया हमने, शहजादे जिस पर हमने इतना यकीन किया उस पर हैवान का साया है। हमें समझ ही नहीं आ रहा हम करें भी तो क्या करें, और ये सब क्या हो रहा है हमारे साथ और क्यों? शहजादे ने आपको एक नई जिंदगी दी है मर्जीना, इतने एहसान किए हैं आप पर, अब वक्त है उन एहसानों को चुकाने का। बचा लीजिए शहजादे को, बचा लीजिए उनकी आवाम को, निकाह कर लीजिए उनसे। नहीं मर्जीना, शहजादे एक हैवान है, आप एक हैवान से निकाह कैसे कर सकती हैं? सोचिए अगर आप उनसे निकाह करेंगी तो आपका क्या होगा? तो आप क्या चाहती हैं कि मर्जीना खुद गर्ज बन जाए? मरने दे अपनी रसल की माँ की आवाम को, मरने दे शहजादे को। नहीं मर्जीना, शहजादे ने आप पर इतने एहसान किए, आपको नई जिंदगी दी, आपको शहजादे से निकाह करना ही होगा। निकाह कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है मर्जीना, दो रूह का मिलन है। इंसान उन्हीं से निकाह करते हैं जिससे वो मोहब्बत करते हैं। हम आपसे पूछते हैं, क्या आप शहजादे से मोहब्बत करती हैं? आपको शहजादे से निकाह करना ही होगा। नहीं, आप नहीं कर सकती। नहीं मर्जीना, तुम्हें शहजादे से निकाह करना ही होगा। मर्जीना शहजादे, तुम्हें शहजादे से निकाह करना ही होगा। तुम्हें शहजादे से निकाह करना ही होगा। चुप हो जाइए, हम बस वही करेंगे जो हमें करना है। मर्जीना, मर्जीना आप ठीक तो हैं? ये सब गलती हमारी है, हमें माफ कर दीजिए। हमारी वजह से आपको ये सारी तकलीफ उठानी पड़ रही है। मर्जीना, आप अब इस निकाह से इनकार कर सकती हैं। अगर इस निकाह से आप हमेशा के लिए हैवान से इंसान बन सकते हैं और आवाम की जान बच सकती है तो हम आपसे निकाह करने के लिए तैयार हैं। मर्जीना, हम फिर भी आपसे कहेंगे कि आप पर कोई दबाव नहीं है, आखिरी फैसला आप ही के हाथ में है मर्जीना। हो सकता है कि यही हमारी तकदीर, शायद इसीलिए खुदा ने हम दोनों को मिलाया। शहजादे, हम आज रात ही आपसे निकाह करेंगे और यही हमारा आखिरी फैसला है। मुबारक ही है आपको शहजादे। आपको भी अम्मी जान। मर्जीना मुझे धोखेबाज समझती है, कैसे बचाऊं मैं उसे उस हैवान शहजादे से? कहीं मर्जीना उस हैवान से निकाह करने का गलत कदम ना उठा ले। उसने कदम उठा लिया है, आज रात हमसे निकाह करने का, और तू बेचारा अपनी माशूका को एक हैवान बनते देखेगा अपनी इन्हीं आंखों से। खबरदार, अगर मर्जीना का नाम अपने नापाक मुंह से भी लिया तो तेरी ये बौखलाहट देखकर दिल को एक अलग सुकून मिल रहा है। तुझे क्या लगा था तू आएगा हमारे मंसूबे पर पानी फेरेगा और अपनी माशूका को लेकर चला जाएगा? यह हमारी दुनिया है, यहाँ के नियम हमारे हैं और यहाँ पे वही होता है जो हम चाहते हैं। इसलिए आज रात
मर्जीना हमसे निकाह करने के बाद एक शैतान बन जाएगी और तू सिर्फ देखता रह जाएगा। नहीं, देख भी नहीं पाएगा। पूरा एपिसोड देखने के लिए सोनी लिव ऐप डाउनलोड करें।